तो अगेन वेलकम टू दी फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्टरी बताया था कि कौन सी वैकेंसीज रहती हैं। बेसिकली दो टाइप की वैकेंसीज अब आपने देखी। पिछले वीडियो में आपने देखा कि फार्मासिस्ट और DI, इसका पैटर्न क्या रहता है, कब वैकेंसीज आती है और हमें तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन सी इसमें बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए। आज हम उन्हीं सब्जेक्ट में से सबसे पहला जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है HAP। सो स्टूडेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट और DI की सेपरेट बैचेस हमने स्टार्ट की है, ये GPAT के साथ नहीं है। सो HAP हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि HAP का फुल फॉर्म क्या है, यस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कल मैंने इसकी रेफरेंस बुक आपको एक बताई थी कि जो रोजन विल्सन है आप उसको पढ़ सकते हैं, टॉर्टोरा भी है, लेकिन ये एक ओशन की तरह है, बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए DSSSB की अपनी वैकेंसी खड़ी आ गई, राइट? ओके, वैकेंसीज अभी आने वाली हैं या आ चुकी है, फॉर्म आपने भरे हैं। सो उसके लिए समय अधिक कम है, तो कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करें या इसमें कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, उसके ही हिसाब से हम लोग ये पढ़ेंगे। बट ऑल्दो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका आपको पता होना चाहिए कि ये HAP सब्जेक्ट आखिर है क्या, इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं, राइट? सो अगेन इट इज व्हाट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एज यू ऑल नो दैट, आप जानते हैं कि एनाटॉमी जब जब दिमाग में आए तो क्या आ जाना चाहिए शब्द? यस, स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में अब ये तो क्लियर है ना कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, या वी आर स्टडिंग टुडे फॉर व्हाट पोर्शन ऑफ द सिलेबस, कौन से पोर्शन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? टेक्निकल के नॉन टेक्निकल का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में जो मैंने आपको 10 से 11 सब्जेक्ट्स बताए थे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है HAP। इसमें से भी जो क्वेश्चंस का नंबर है, जो वेटेज है, वो 4 से 5 क्वेश्चन बनने का इसमें से वेटेज है, राइट? सो इन HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अभी भी हम वही हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। सो सिर्फ दो बातें इसमें पढ़नी होती, दिमाग लगाए, HAMP। अब दो बातें क्या है वो, व्हाट आर द टू वेरियस थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। दो बातें जो हमें HAP में पढ़नी है वो सिर्फ है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, बनावट, राइट? मेक या फिर जिससे वो बना है, कंपोजिशन यू कैन से। एंड फिजियोलॉजी दैट मीन्स फंक्शन, राइट? कार्य, काम कैसे करता है, हाउ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल वर्क, हाउ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल परफॉर्म। सो कंपोजिशन क्या है और वो कंपोजिशन काम कैसे करता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस। सो आप समझे, वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन। तो हम तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना कि ऐसे कि ह्यूमन बॉडी है, इसकी दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ है, राइट? सबका अपना अपना काम, लेकिन नहीं, इतना नहीं, हमें और थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो फिर किसका देखें, यदि हम डेप्थ में जाएं, ये हटा दें तो क्या दिखेगा अपने यहाँ पे, मसल्स। तो मसल्स का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, और हटा दें तो क्या दिखेगा अपने को, स्केलेटन। तो स्केलेटन का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। अब तो आर पार हो गए, तो अब यहाँ आ जाओ, इसके अंदर क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या काम है, कैसे वो काम करता है। ब्रेन को हटाओ तो आईज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हाउ इट परफॉर्म और हाउ इट वर्क, समझ में आ गई। नोज यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज, कैसे बना हुआ है एंड हाउ इट इज वर्किंग। सो कहने का ये मतलब है, पूरी बॉडी में सिर्फ हमें पूरा आउटर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी नहीं देखनी, अलग अलग लेवल पे देखनी, राइट? सो स्ट्रक्चर पढ़ना है सिंपल और उसका फंक्शन देखना है, कहाँ पे, एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगला हेडिंग इसमें डालेंगे, HAP में सबसे पहले ये पढ़ा जाता है कि व्हाट HAP इज, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब लेवल्स क्या है, लेवल यानी क्या, स्तर क्या है इसके। यदि हम मिनिमम लेवल देखें, सबसे छोटे से छोटा लेवल ह्यूमन बॉडी का, तो क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे फार्मासिस्ट की एग्जाम में। सो स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट, अ सेल। तो अब सेल की बात करें तो सेल भी अपने आप में, यदि उसका स्टडी किया जाए ना, तो समंदर है,
पर हमें एचएपी दिया गया है सब्जेक्ट का नाम, और हमें स्टडी करना है क्या, फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है। सो सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि वी हैव टू स्टडी ओनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ व्हाट अ सेल। अब सेल तो स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें जो भी मिलेगा आपने कंपोजिशन में उन सबका हम क्या देख लेंगे, फंक्शन देख लेंगे। अब अगेन दूसरा क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, टिश्यू का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसके बाद ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिस्टम का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस तरह से जब हम धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे तो आप क्या पढ़ लोगे, प्यूरे ह्यूमन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो अल्टीमेटली ये बात दिमाग में बैठाना है हमें कि यदि वी हैव टू स्टडी व्हाट द एचएपी, यदि हमें एचएपी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ संरचना एंड स्ट्रक्चर, और क्या पढ़ना है दोस्तों उसका, फंक्शंस पढ़ना है। अब यही कि कौन से लेवल से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, यहाँ पे भी अटक रहती है, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या देख लेते हैं, अगला टॉपिक आएगा द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो कितने लेवल होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों को पता है। यदि हम ह्यूमन बॉडी को एक ऑर्गेनाइजेशन माने, राइट, तो उसके कितने लेवल होंगे, सो मिनिमम से स्टार्ट करते हुए हम मैक्सिमम तक जाएंगे। सो देयर आर सम लेवल्स, राइट, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो होगा वो क्या होगा, सेल, राइट। द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट, अ सेल, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर सेल्स, कई सारी सिमिलर सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स कम टूगेदर टू फॉर्म व्हाट, अ टिश्यू। एक जैसी कई सारी सेल्स पास में आएंगी और ये क्या बनाती है, एक टिश्यू, जिसको ऊतक भी कहते हैं हम लोग। एन नंबर ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स विल कम टूगेदर टू फॉर्म व्हाट, अ टिश्यू। फिर कई तरह के एक जैसे टिश्यू साथ में आएंगे, मिलेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन। कई ऑर्गन्स मिलकर बनाते एक सिस्टम। एंड जनरली हमारी बॉडी में जो है आपको 11 सिस्टम्स मिल जाएंगे, राइट। और ये पूरे के पूरे 11 सिस्टम्स मिलकर एक क्या बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी। अब बताएं, अब यदि हम कहें कि हमें एचएपी पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कहाँ से स्टार्ट करो, तो अच्छा ये है कि सबसे छोटे लेवल से हम स्टार्ट करें। सो सेल का भी क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, ए एंड पी, यानी सेल की बनावट कैसी है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में सेल मेम्ब्रेन भी रहेगी, साइटोसोल भी रहेगा, सेल ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे फिर समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन थी उसमें तो वो क्यों थी, क्या काम था उसका, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट सेल मेम्ब्रेन, उसका काम क्या है। तो यार जब हम एनाटॉमी पढ़ लेंगे और फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमने ए और बी पढ़ लिया, किसका, सेल। फिर जब हम ए और बी पढ़ लेंगे इसी तरह से, किसका, टिश्यू का। अगेन ए में क्या देखेंगे, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, टिश्यू कैसे मिलकर बनते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, राइट। उसके बाद में व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इच टाइप ऑफ टिश्यू, हर एक प्रकार के टिश्यू का क्या क्या कार्य है, क्या क्या फंक्शन है, ये देखेंगे। सो उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद क्या आता है, ऑर्गन। कुछ सेंस ऑर्गन रहते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जैसे आई, ईयर, टंग, नोज, राइट, उनका अलग से हम ए और पी देख सकते हैं। बट क्या सिर्फ यही सेंस ऑर्गन्स हैं जो बॉडी बनाते हैं, नहीं। फिर जो सिस्टम है ना, सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं, 11 सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला यदि सिस्टम देखे तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें क्या क्या आ जाता है, स्किन, नेल्स एंड हेयर। सो जब आप स्किन, नेल और हेयर का स्ट्रक्चर देखोगे तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का आप क्या देख रहे हो, ए। जब आप इनके फंक्शंस देखोगे तो आप इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या देख रहे हो, पी। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ओके। तो ये स्किन और नेल और हेयर ये क्या हो जाएंगे उस समय, उसके ऑर्गन्स। तो हम ये कहने का मतलब है, अलग से ऑर्गन्स की स्टडी नहीं करते हैं, जब सिस्टम पढ़े जाते हैं तो पहले ऑर्गन्स के बारे में ही डील करते हैं, राइट। तो ऑर्गन में भी पहले क्या देखेंगे हम, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या बनावट है, और फिर उसमें जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होगी ऑर्गन में, उनका कार्य क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो इस तरह से हम एक साथ पूरे सिस्टम का भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखते हैं।
सो जब आप ये सारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लें, कंबाइन कर लें, प्लस कर लें, तो क्या होगा? वी विल स्टडी द एपी ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, सही है कि नहीं? सो जब हम ये सारे एपी एपी देख लेंगे तो हम क्या देख लेंगे? पूरे ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब सवाल उठता है, ये इतना सारा है, एक सेल पे पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ रहता है ना? ये सेल कहाँ कहाँ पे काम आएगी? सेल इज द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का जो पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त काफी है। अब ये पढ़े कहाँ से, कैसे, कितने डेप्थ में, क्यों? क्योंकि ये आपको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो काम आ ही रहा है। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में, सबसे पहले आप इसको बायोलॉजी में पढ़ते थे लर्न ट्वेल्थ में, फिर जब आप कॉलेज में आए तो सबसे पहले वहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने, फिर एचएपी में पढ़ा, फिर जब बायोकेमिस्ट्री आया उसमें पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी आया उसमें भी पढ़ा, राइट? ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो साथ में फिर क्या कवर होता जाता है आपका, जो बायोकेमिस्ट्री वाला है, पैथोफिजियोलॉजी वाला पोर्शन है या फिर फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है, वो आपका स्ट्रांग होने लगता है, राइट? सो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से इसीलिए क्वेश्चन का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। अब इसको हम कैसे करें, तो हमने मॉड्यूल्स बनाए हुए क्योंकि आपकी फार्मासिस्ट की एग्जाम के लिए, राइट? तो अब हम इसको कैसे करें, हमने इसको मॉड्यूल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसको ये मॉड्यूल है। अब इसमें कैसे पढ़ें, राइट? अब जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट हम आपको इसको समझाएंगे कि किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, राइट? ये एप्लीकेशन में आप लोगों को असाइनमेंट में भी असाइन हो चुका है, आप चाहें तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, या अभी जो लाइव क्लास देख रहे हैं वो भी आप लोग साथ में ये पढ़ सकते हैं, राइट? सो ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ होल ह्यूमन बॉडी है उसको हम लोग सेल से ही स्टार्ट किया देखिए। अब इसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। सो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों को और डिटेल में जानकारी लेनी है तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फार्मेसी कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और क्लास के लिए एडमिशन ओपन है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।